मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। एक बार मैंने ये बात मेरे गुरु से पूछी। मेरे गुरु थे, उनका नाम था श्री धर्मपाल। वो बहुत बड़े इतिहासकार थे। उनका जन्म मुजफ्फरनगर जिले में हुआ और उनकी पढ़ाई लाहौर में हुई थी और बाद में वो प्रोफेसर होके भारत के बाहर चले गए थे। लंदन में टेम्स यूनिवर्सिटी में करीब 40 साल उन्होंने पढ़ाया और कई देशों में वो विजिटिंग प्रोफेसर थे। अंत में जब रिटायर वगैरह हो गए तो भारत वापस आ गए। मेरे वो गुरु थे। एक बार मैंने कहा कि स्वामी दयानंद जी ऐसा कहते हैं, तो उन्होंने कहा कहते हैं तो सही कहते हैं, इसमें गलत क्या कि भारत तो सोने की चिड़िया था। तो मैंने कहा सुना तो मैंने भी है बचपन से सोने की चिड़िया था, लेकिन इसका सबूत क्या, प्रमाण क्या इसका? तो कहने लगे तुम्हारे जैसे आदमी की यही गड़बड़ी है। मैंने कहा मेरे जैसे से मतलब? तो उन्होंने कहा जो आधुनिक शिक्षा लेकर निकले हुए लोग हैं ना, इनके जीवन में एक ही गड़बड़ी है कि वो अविश्वास पहले करते हैं, विश्वास बाद में करते हैं। और ये जो बिना पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, उसकी ये खुशकिस्मती है और खूबी है कि वो सबसे पहले विश्वास करता है, अविश्वास कभी नहीं करता। इसका मतलब इस पढ़ाई लिखाई ने हमको खराब कर दिया, अविश्वासी बनाया। हम जल्दी भरोसे नहीं करते किसी चीज पे। मुझे भी नहीं होता, क्योंकि मैं भी इसी आधुनिक शिक्षा में से पढ़कर निकला हुआ। तो मैंने मेरे गुरु से कहा कि मुझे तो होता नहीं विश्वास। अब आप कहते हैं स्वामी दयानंद ने कहा है, तो मुझे तो प्रमाण दिखाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमको प्रमाण चाहिए तो लंदन जाओ। मैं पूछा क्यों, लंदन क्यों? तो उन्होंने कहा सब प्रमाण वहीं पे हैं, भारत के सारे प्रमाण वहां हैं। तो फिर तब से मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई और फिर मुझे लंदन जाने का जब चांस मिला, मौका मिला, तो मैंने वहां वो प्रमाण देखे। लंदन में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी। हाउस ऑफ कॉमन्स माने अंग्रेजों की लोकसभा। तो अंग्रेजों की लोकसभा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। वहां भारत के बारे में लाखों दस्तावेज है, लाखों की संख्या। और लंदन शहर में और एक दूसरी लाइब्रेरी है, उसको ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी कहते हैं। वहां पे भी भारत के बारे में लाखों दस्तावेज। उनमें से कुछ 50,000 दस्तावेज मेरे पास भी हैं, जो वहीं के हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी के हैं, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी के हैं, थोड़ा सॉर्बोन की एक बड़ी लाइब्रेरी है फ्रांस में, वहां के हैं। ऐसे अलग अलग जगह के कुछ दस्तावेज हैं। संख्या लगभग 50,000 है, लेकिन लाखों में दस्तावेज वहां हैं, जो ये बताते हैं कि भारत कैसा देश था अंग्रेजों के आने के पहले। अंग्रेजों के आने के पहले ये देश कैसा था, एक दस्तावेज का जिक्र करता हूं। सन 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बहस हो रही थी। तारीख बताता हूं आपको, 23 जून 1813 ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस हो रही थी। अंग्रेजों का एक सांसद बोल रहा था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। 3.5 घंटे वो भाषण दिया। उस भाषण में वो भारत के बारे में जिक्र किया। उसने भाषण की शुरुआत की थी हाउ टू क्रिश्चनाइज इंडिया। भाषण की शुरुआत हुई थी भारत को ईसाई कैसे बनाया जाए, यहां से शुरू किया। उसका पूरा भाषण मेरे पास है। उसमें वो कहता है कि भारत को ईसाई बनाना, क्यों बनाना है? इसलिए बनाना है कि ये देश धन धान्य से भरपूर है भारत, और इसलिए बनाना है कि अंग्रेजों का देश बहुत गरीब है, तो अंग्रेजों को गरीबी मिटानी है तो वो भारत की अमीरी से मिट सकती है। माने भारत का पैसा लंदन आता रहे तो भारत तो जो हो सो हो, हम अमीर हो जाएंगे। और वो ये बात अपने देश के बारे में कह रहा है, क्योंकि आज से 250 साल पहले इंग्लैंड में बहुत भूखमरी थी। इतने लोग भूख से मरते थे कि सन 1400 से 1500 के बीच में 3.5 करोड़ अंग्रेज लोग भूख से मर गए थे। अंग्रेजों की आज जनसंख्या 7 करोड़ है और आधी जनसंख्या मर गई थी गरीबी के कारण, इतनी भुखमरी होती थी। तो विल्बरफोर्स कह रहा हम बहुत गरीब हैं, हमारे देश को गरीबी मिटानी है, और भारत के पास इतना अथाह पैसा है कि 1000 साल भी हम लूटें तो खत्म नहीं होने वाला,
तो भारत को 1000 साल तक लूटते रहना है, ये तभी संभव हो जब हमारा शासन भारत में चले, और हमारा शासन भारत में हमेशा चलता रहे ये तब संभव हो जब भारत के लोग ईसाई हो जाए। जो राजा का धर्म है वो ही प्रजा का हो जाए, तो प्रजा और राजा में टक्कर नहीं होगी, टकराव नहीं होगा, जैसे हम होंगे वैसी प्रजा हो जाएगी। तो इसलिए भारत को ईसाई बनाना, ईसाई बनाने के लिए हमें भारत से पैसा लाना, 1000 साल तक लूटना। तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर उस समय था ग्लैडस्टन, वो पूछ रहा है बिल्वर फोर्स को बीच में रोक के कि तुमको कैसे मालूम भारत इतना पैसे वाला देश, इतना समृद्धशाली, इतना इतना। तब वो कहता है कि हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में गई है उसके अधिकारियों ने सर्वेक्षण किए हैं, ऐसे सर्वेक्षण की कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा बताओ, तो एक सर्वे की रिपोर्ट वो कोट कर रहा है और कह रहा है कि भारत का सारी दुनिया में 33% निर्यात हो रहा है। इसको फिर से सुनिए, सारी दुनिया में भारत का निर्यात 33% हो रहा है, माने वर्ल्ड का टोटल मार्केट में 33% कॉन्ट्रीब्यूशन भारत का है। दुनिया में अगर 100 अरब डॉलर का माल बिक रहा है तो 33 अरब डॉलर का माल भारत का बिक रहा है। फिर वो कहता है भारत के बाद जो दूसरे नंबर पर हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो चीन है, जिसका 27% माल दुनिया में बिक रहा है, और भारत और चीन दोनों को मिला दिया जाए तो आधे से ज्यादा माल तो ये दो ही देशों का बिक रहा है पूरी दुनिया। तो वो कोट कर रहा है सर्वे की रिपोर्ट को। अब ये जो 33% एक्सपोर्ट हो रहा है, तो फिर वो पूछ रहा है प्राइम मिनिस्टर क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से। तो वो बोल रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है भारत से वो है कपड़ा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी सबसे अच्छी। आपको मालूम है यहाँ मलमल बनता था, मलमल की थान होती थी, 12 गज लंबा मलमल का थान तह करते हुए एक दिया सलाई के डब्बे में रख सकते थे, इतनी बारीक बुनाई होती थी। तो वो बिल्वर फोर्स कह रहा हाईएस्ट एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल का, और वो कह रहा है कि दुनिया को कपड़ा पहनना तो भारत ने सिखाया, उसके ये शब्द पे ध्यान दीजिए। तो ग्लैडस्टन हैरान हो गया, तो वो कहता है हाँ दुनिया जब कपड़ा पहनना जानती नहीं थी तब भारतवासी मलमल बनाते थे, इतनी बारीक बुनाई का, और ये मशीन से नहीं बनता, हाथ से बनता है। तो ग्लैडस्टन कहता है आई कांट बिलीव इट, वो कहता है मुझे भरोसा नहीं होता। तो बिल्वर फोर्स कहता है भरोसा तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन ये रिपोर्ट सामने रखी है, इसका क्या करूं, और ये भारतवासियों की बनाई हुई नहीं है, हमारे अधिकारी जो भारत में गए हैं उनकी बनाई हुई रिपोर्ट। कपड़ा बिकता था बहुत बड़े पैमाने पर, यहां से 33 देशों में जाता था। फिर दूसरा एक्सपोर्ट होता था स्टील का, स्टील बनता था इस देश में। फिर तीसरा एक्सपोर्ट होता था ईंट ब्रिक्स का, ये घर बनाने के जो काम आते। चौथा एक्सपोर्ट था हमारे देश में आजकल हम सीमेंट बोलते हैं, पहले जमाने में चूना हुआ करता था, चूना बहुत बड़ा एक्सपोर्ट था। ऐसे 36 एक्सपोर्ट थे। और वो बोलता है बिल्वर फोर्स कि दुनिया के सारे देश भारत के लिए परेशान है कि उनको ये माल चाहिए, और भारत की मोनोपोली है, कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी ये सामान बनता है। अब ग्लैडस्टन पूछ रहा है तो फिर भारत सोने की चिड़िया कैसे हो गया। तो वो बताता है कि ये जो बिक रहा है सारा माल, इसके बदले में भारत को सोना मिलता है, हम कपड़ा बेचते हैं और हमको सोना मिलता है, हम लोहा बेचते हैं हमको सोना मिलता है, हम ईंट बेचते हैं हमको सोना मिलता है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में करेंसी नहीं थी, सोना ही था, चांदी ही थी, हीरे जवाहरात थे, और आप जानते बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में आप कुछ देंगे तब कोई दूसरा देगा, तो हम कपड़ा देते थे तो वो सोना देते थे हमको, हम स्टील देते थे तो सोना देते थे। और हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार था अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे ज्यादा सोना होता है आप जानते, तो अफ्रीका के व्यापारी हमसे ये खरीदते थे और बदले में हमको सोना मिलता, और ये 3000 साल चला, 3000 साल हमने सोना लाया कपड़ा बेच के, हमने सोना लाया लोहा बेच के। तो इतना सोना इकट्ठा हो गया इस देश में कि सारी दुनिया ने भारत को सोने की चिड़िया कहना शुरू किया, और सोना इतना हो गया हमारे पास कि हमने गहने और जेवरात तो सोने के बनाए ही, फिर जरूरत पड़ने पर मंदिर भी सोने के बना डाले। दुनिया में ये
हजारों साल का एक ही देश है जहां सोने के मंदिर, सोने की मस्जिद नहीं है, सोने का गिरजाघर नहीं, यहां सोने के मंदिर है। और आप कहेंगे एक मंदिर है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। मैंने अंग्रेजों के दस्तावेज ढूंढ ढूंढ कर निकाले तो भारत देश में अंग्रेजों के आने के पहले तक 11,000 से ज्यादा सोने के मंदिर, एक एक मंदिर के पास 300 से 400 मीट्रिक टन सोना, एक एक मंदिर के पास। मंदिरों में सोना कहां से आया? समाज ने दान में दिया। समाज के पास कहां से आया? तो व्यापार करके लाया। हमने लूटा नहीं किसी को, भारत का एक भी व्यापारी कभी किसी को लूटने नहीं गया, भारत का कोई राजा कभी दूसरे देश पर हमला करने नहीं गया। यहां बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनका सारी दुनिया सम्मान करती थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को आप जानते हैं, हर्षवर्धन को आप जानते हैं, अशोक को आप जानते हैं, सारी दुनिया इनके चरणों में पड़ी रहती थी, लेकिन ये कभी दूसरे देश को लूटने नहीं गए। गए तो धर्म प्रचार करने गए। हमने लूटा किसी को नहीं, फिर सोना कहां से आया? व्यापार करके कमाया हमने, और व्यापार में हम सबसे ऊपर थे इसलिए इतना सोना है। तो वो सोना चांदी इतना जमा हो गया था इस देश में, इसलिए सारी दुनिया में सोने की चिड़िया नाम से भारत प्रसिद्ध हो, क्योंकि व्यापार बहुत ऊंचा था इस देश में। ये दस्तावेज पढ़ने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि भारत उद्योग प्रधान देश था, सिर्फ कृषि प्रधान नहीं था। हमको ये बताया गया ना, भारत कृषि प्रधान देश, कृषि कृषि तो सेकेंडरी है, उद्योग तो प्राइमरी थे। और ये सब इतना सारा 3,000 साल हम सोना कमाते रहे, कमाते रहे, कमाते रहे, फिर मंदिर बनाते रहे, सोना दान करते रहे। सोने का उपयोग इस देश में सबसे ज्यादा है, आज भी सबसे ज्यादा। हम गरीबी में हैं, फिर भी दुनिया का सबसे ज्यादा सोना इसी देश में, भले वो घरों में है ये अलग बात है, लेकिन है अभी भी इस देश में। तो इसलिए ये देश पैसे वाला समृद्धशाली बना, और यही कारण था जो अंग्रेज यहाँ आए, फ्रांसीसी आए, डच लोग आए, पुर्तगाली लोग आए। आप जरा सोचो, अगर हम गरीब होते और भुखमरी के शिकार होते तो अंग्रेज यहाँ 200 साल छक मारते, 200 साल, 2-4 साल में लौट जाते। अगर हम गरीब होते, भुखमरी के शिकार होते तो फ्रांसीसी क्यों आते? वास्को डिगामा क्यों आया अपनी पूरी फौज लेके? सिकंदर क्यों आया यूनान से चलकर यहां तक? ये सारे लोग आए क्योंकि हमारे पास कुछ था, और वो दो ही चीजें थी, एक तो ज्ञान और दूसरा पैसा। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।